नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और एक अच्छी खबर, जी हां, एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं हम दिल्ली वालों के लिए, खास तौर पर क्योंकि दिल्ली वालों के लिए समृद्धि योजना की सौगात आई है। और ये सौगात जो है वो एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से आई है। नगर निगम के चुनाव नजदीक है और उससे पहले नगर निगम ने समृद्धि योजना जो है वो दिल्ली वालों के लिए पेश कर दी है, जिसका लॉन्च एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया। आपको बता दें कि राजनिवास में ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस योजना का लॉन्च किया और इस दौरान उनके साथ आपको बता दें कि जो विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार और निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती भी मौजूद थे। ये जो समृद्धि योजना है ये जुड़ी हुई है टैक्स से, जी हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर से जुड़ी हुई है। और दिल्ली में जो नियमित और अधिकृत कॉलोनियों में लोग रहते हैं उनके लिए ये खबर है, क्योंकि उनके संपत्ति कर से जुड़ा हुआ मामला है और इसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान ये किया गया है कि अगर आपने अभी तक एक बार भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जमा नहीं किया है, आपका काफ़ी साल का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप अब 5+1 यानी कि मौजूदा वर्ष और पिछले 5 साल का जो आपका बकाया है वो आप जमा कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब कि जो पिछले 11-12 साल का जो बकाया है वो और उस पर लगा हुआ जुर्माना माफ हो जाएगा। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं यानी कि जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनके लिए भी ये एक योजना है कि वो उन्हें मौजूदा वर्ष और पिछले 6 साल का जो बकाया है वो उन्हें पे करना होगा और उसके बाद जो पिछला 11-12 साल का बकाया है और उस पर जो जुर्माना लगा है वो उन्हें पे नहीं करना होगा। इस बारे में खुद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी दी कि ये समृद्धि योजना कैसे दिल्ली वालों के लिए समृद्धि बनेगी। मुझे आज बड़ी खुशी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक समृद्धि स्कीम को मुझसे लॉन्च कराया। ये समृद्धि स्कीम वास्तव में दिल्ली के लोगों की समृद्धि के लिए है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समृद्धि के लिए भी है। हमेशा एमसीडी 2004 से टैक्स कलेक्शन की बात करती थी। इस स्कीम के तहत पहली दफे अब सिर्फ जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लोग हैं उनको 1+5 का टैक्स देना है, मतलब 1 साल का जो करंट ईयर है और पिछले 5 साल का, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनको 1+6 का टैक्स देना है और उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी जो है नहीं रह जाती है। 1 साल के बाद तक ही इसकी स्क्रूटनी हो सकती है, उसके बाद एमसीडी इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस टैक्स को रोड्स को डेवलप करने के लिए, पार्क्स को डेवलप करने के लिए, स्कूल्स को डेवलप करने के लिए फंड्स को खर्च करे और दिल्ली में एक बार फिर से समृद्धि। तो एलजी विनय कुमार सक्सेना को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस समृद्धि योजना से दिल्ली वालों की समृद्धि होगी और न सिर्फ दिल्ली वालों की बल्कि निगम के लिए भी ये योजना जो है वो समृद्धि का रास्ता निकाल देगी। आपको बता दें कि अगर हम अधिकृत और नियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पर 10 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं और उनसे 2000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी कलेक्शन जो है वो निगम को होता है। ऐसे में पिछले काफ़ी वक्त से लोगों ने अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया है तो उनके लिए ये एक बेहतर मौका है। आपको बता दें कि ये योजना जो है इसी साल अक्टूबर 26 तारीख से शुरू होने जा रही है और 31 मार्च 2023 तक आपके पास मौका रहेगा कि आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स को पे कर सकते हैं, योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब 5 महीने आपके पास पूरा समय है जब आप अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर सकते हैं और जो पिछला बकाया है मतलब कि 5 साल जो है पिछले और 1 साल मौजूदा वर्ष का आपको बकाया देना होगा और उससे पहले का जो 10-12 साल का बकाया है और उस पर जो लगा जुर्माने की फीस है वो सब माफ हो जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके लिए और जो भी लाभार्थी हैं उनसे यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाइए। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए दिल्ली तक से जुड़िए।